हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी शाम का टाइम हो रहा है, ऑफिस आए हुए काफी टाइम हो गया, बट फिर भी मैं थोड़ा सा लेजी फील कर रही थी हर चीज के लिए ही। बट अभी जो है क्या था कि उर्वी आज हमारे साथ नहीं आई थी, तो उर्वी को उसके पापा अभी जस्ट छोड़ के गए हैं। वो इसलिए हमारे साथ नहीं आई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो मैं और आदित्य तो आ गए क्योंकि हमारे पास था अम्ब्रेला। बट फिर दो बच्चों के साथ बैग वगैरह लेके अम्ब्रेला लेके भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए। और अभी जो है मैं सोचूँ कि चेंज तो करूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना टीचर्स डे का जितना भी मेरा सामान है वो सारा निकाल लेती हूँ। बाकी रेडी होने तक का व्लॉग अगर हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो लुक है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में देख लेना है। क्या पता मैं इसमें भी दिखा पाऊँ। जब से मैंने अपने बाल कटवाए ना, तब से मुझे बहुत ही हल्का हल्का महसूस हो रहा है, और बाल कटवाने के बाद फिर से मेरे बाल बढ़ गए। मैंने इतने इतने करवा दिए थे, अभी फिर से इतने हो गए। मैं क्या करूँ, मैं इतनी जल्दी हेयर ग्रोथ होती है। लोग परेशान होते हैं कि उनके हेयर ग्रो नहीं करते हैं, इधर हो रहे हैं, तो मुझे उससे भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा है। बाकी आप लोगों ने ना इस शर्ट का जो लिंक है ना, वो इतनी बार मुझसे मांगा है, तो ये जो शर्ट है ये है मैक्स ब्रांड, मैक्स की ये शर्ट है, और ये डेनिम उसमें, और कब से लेके मैं पहन रही हूँ, कितनी बार मैंने इसको वॉश भी कर लिया लेकिन इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, और हाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अमेज़ॉन पे जो है अल्टीमेट ब्रांड सेल जो है 6 तारीख से 10 तारीख तक लाइव है, तो आप भी वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको उसमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप प्राइम मेंबर है तो 10% तक का कैशबैक भी आपको मिल जाएगा, तो आप मंगवा सकते हैं। वैसे बहुत सारी और भी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये शर्ट दिखा देती हूँ, जो कि एक फॉर्मल शर्ट है, और इस तरीके से है इसका लुक है। तो मैंने तो इसको अपनी जीन्स के साथ वो किया है, तो आप भी इस तरीके से पेयर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ पहनो या स्नीकर्स पहनो तो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है। स्लीव्स इसकी फुल है, मैंने यहाँ पे फोल्ड कर रखी है, और इस तरीके की बटन्स की डिटेलिंग इसमें है, और ये है शर्ट। वैसे तो मैंने ऊपर तक ऐसे क्लोज कर रखा है, बट इस तरीके से आप इसको करो। और बहुत सारी गर्ल्स जो है वो बटन्स ओपन और अंदर से कोई टी शर्ट वगैरह उस तरीके से कैरी करना चाहते हैं, वैसे भी आप इसको कैरी कर सकते हो। तो ये है मेरी शर्ट मैक्स ब्रांड की, आप लोग पूछते हो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इसका जो लिंक है वो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आप लोग रिक्वेस्ट करते हो इस बैग के लिंक के लिए, तो ये ज़ूक ब्रांड का ये बैग है। इसमें आपको बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे ही, बट मैंने ये वाला पैटर्न लिया है जो कि यहाँ से जूट मटेरियल है, और यहाँ पे ये वीगन लेदर है, तो आप यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये ना ऑफिस के लिए, जैसे हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा होता है तो ऑफिस के लिए बहुत बढ़िया है। पीछे की तरफ से इस तरीके से है, ऐसे हमें ये शोल्डर स्ट्रैप्स मिल जाते हैं इसमें। हाँ ये स्लिंग नहीं है क्योंकि ये शोल्डर बैग है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से लगता है ये, और हर तरीके के आउटफिट के साथ अच्छा लगता है। आई मीन आप वेस्टर्न या एथनिक वियर कुछ भी आप हो तो उसके साथ ये अच्छा लगता है, ये देखो इस तरीके से। तो ये है, काफ़ी स्पेशियस है, इसमें बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। आई मीन आपको अलग से जो है अपना टिफ़िन बैग वगैरह कैरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्पेशियस है, ये देख सकते हो आप। और इसमें यहाँ पे लैपटॉप के लिए एक्स्ट्रा कुशनिंग जो स्पेस होता है वो भी है, तो आप अपना लैपटॉप भी इसमें कैरी कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद थर्ड एक और मैं आपको पर्स दिखा रही हूँ, जो कि अगेन ज़ूक ब्रांड से ही है। ये मेरी सेकंड परचेज है। ये है एक स्लिंग बैग, इसमें भी बहुत सारे पैटर्न जो है मिल जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये, बहुत सारा सामान इसमें भी आ जाता है, ये देख सकते हो आप। इसमें ये एक मेन कंपार्टमेंट है, देन इसमें एक अंदर इनर जिप कंपार्टमेंट भी अलग से बना है, देन यहाँ पर ये पीछे की साइड पर भी हमें एक जिपर पॉकेट ये मिल जाती है, तो इसमें भी आपका काफ़ी सामान आ सकता है। तो ये एक स्लिंग बैग है, वो भी अगेन ज़ूक ब्रांड का ही है, और ज़ूक के बैग मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मुझे और भी ब्रांड्स पसंद है लेकिन ज़ूक मेरा फेवरेट है। तो इसको भी आप सूट के साथ या जीन्स वगैरह के साथ, अगर आपको थोड़ा सा लंबा रखना पसंद है इसको, तो आप इसको स्ट्रैप को जो है ये एडजस्टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो एडजस्टेबल स्ट्रैप के साथ है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सुंदर लगी, तो ये मैंने मंगवाई है। अगर आपको भी हील्स पहनना बहुत पसंद है तो ये ना इस वाले कलर में ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। ये क्रीम सा कलर है, मतलब बेज सा कलर है, बहुत ज़्यादा ऐसा क्रीम भी नहीं है ना ब्राउन है, तो इस तरीके का ये कलर है, और इस तरीके की है ये, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके लिए ये ग्रिप के लिए अच्छे से है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगी, और इसका जो
यहाँ पे हील में ये लगा है, ये भी मतलब एंटी स्किड है, तो आप इसको ले सकते हो। तो ये है, ये मैंने 39 नंबर मंगवाया है, मतलब 6 नंबर 39 इसका मंगवाया है, जो कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट आया है। तो ये है एक परचेज मेरा, ये मैंने पहन के भी, मैंने और उर्वी ने पहन पहन के, आप देख ही सकते हो यहाँ पे चल चल के अंदर ही फ्लोर पे ऐसी गंदी करती है, बट मुझे बहुत पसंद आई तो ये मैं पहनूंगी टीचर्स डे पे। वैसे मेरे पास और भी हील्स हैं, लेकिन ये वाली मेरी पर्सनल, मतलब अब बोलूंगी कि फेवरेट है, बाकी अभी देखते हैं चलेगी कैसे, क्योंकि मैंने अभी तक पहनी, वैसी तो नहीं पहनी है बाहर के लिए, सिर्फ घर के अंदर ही पहनी है। तो ये ब्रांड है मार्क लॉयर कुछ ब्रांड है, उसकी मैंने मंगवाई है, जो कि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल, तो देखो हील्स लॉन्ग टाइम के लिए, ऐसा सोचो कि बहुत लंबे समय के लिए पहने तो कुछ लोगों को कंफर्टेबल लगती है, जो रोज़ हील नहीं पहनते उनको कंफर्टेबल नहीं लगती है, बट फिर भी पहननी हुई अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने मंगवा दी है। उसके बाद है एक टी शर्ट जो कि नीरज ने ऑर्डर करी है अपने लिए, तो आपके भी हस्बैंड इस तरीके की लूज लूज टी शर्ट्स पहनते हैं तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये रही टी शर्ट, इस तरीके की है और पीछे की साइड से ये ऐसी है, ठीक है। तो लूज फिट में, जो लूज फिट में टी शर्ट्स होती है वो, एक और टी शर्ट उन्होंने मंगवाई है, पता नहीं क्या सोच के एम साइज मंगवा दिया है, ये तो एल साइज है तो ये उनको बिल्कुल ठीक है। दूसरी टी शर्ट जो ज़्यादा पसंद है उनको, वो एम साइज़ की मंगवाई है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि पहले मुझे दिखनी पड़ेगी कि उन पर सही भी लग रही है कि नहीं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन के हैं, सबके जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना कि आपको इनमें से कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो फिर आप भी अपने लिए जो है उसी हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि मुझे करनी है अभी अपनी ये बैग निकालना है ऊपर से, और इसमें से साड़ी निकालनी है बाहर। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, बाल मैंने भी ऐसे बांधे क्योंकि गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, शीशे में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये दिखा सकूँ कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी। ये वाली साड़ी पहनी है, इसका जो ब्लाउज है वो मुझे बहुत अभी टाइट हो गया है, तो फिर मैंने अपना ऐसे जो स्ट्रेचेबल ब्लाउज होता है वो पहना है, और ये वाली पहनी है मैंने हील्स जो मैंने आपको दिखाई थी वही वाली, ऐसे ही दिखा देती हूँ ये वाली। अभी से मेरे पैर में दर्द हो रही है, सोच रही हूँ फ्लैट्स भी डालूं ताकि मैं आराम से एंजॉय कर पाऊँ, देखते कैसी लग रही है बताना मुझे। वैसे मैं अपने बाल अभी जैसे ही पहुँच चुकी तो ओपन कर दूँगी इनको, ये तरफ से दिखा देती हूँ मैंने ऐसा मेकअप किया है, और कुछ नहीं पहना है, ये पहना ये पहना, चलो played a vital role in shaping our minds and our futures. My heartfelt thanks go out to every teacher who has taught us subject and valuable life lessons. चुप
गए घर वापस, एक ही चीज बची आंखों पे, वो है थोड़ा थोड़ा सा आईलाइनर का भी, वो एक आंख में बचा है, एक आंख में खत्म हो चुका है बिल्कुल पसीने से ना ना के, बहुत बुरे हाल हो गए। तो बालों की क्या हालत हो गई, भी मैंने बालों में ऐसा कुछ हेयर स्टाइल तो किया नहीं था, ऐसे ही बांधे थे, कभी खुले कभी बंधे। ये आदित, आज आदित ने इतना डांस किया है मेरे कॉलेज में, और आज मैं हील पहन के गई थी, ऐसे थी ना, मैं पैर रख रही हूँ ऐसे, तो ऐसा लग रहा है मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है सीधे सीधे पैर रखने में। आदित ने ऐसा डांस किया, ऐसा डांस किया, मैंने पहली बार देखा आदित आपको सच में, क्या ऐसा डांस भी करते हो। तो ये है मेरी साड़ी, आप लोगों ने बहुत बार पहले भी देखी हुई है शायद, शादी शुद्धि फंक्शन में मैं पहनती थी, शादी, हाँ शादी में मैंने पहनी थी। चिल्ड्रंस डे पे कहाँ पहनते हैं हम साड़ी, पहनते तो हो यार नहीं, सर्दियाँ होती है। तो बस अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कपड़े, हालत हो चुकी है अभी बहुत ही खराब।